नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरेशरावान खड़े। सुथनी, जो कि शकरगंज प्रजाति का एक कंद है, जो अब विलुप्त के कगार पर पहुंच चुका है। वैसे सुथनी को अंग्रेजी में लेसर यम कहा जाता है। ये जमीन में 5 से 6 इंच नीचे पैदा होता है। ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों, खासतौर पर एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में मुख्य खाद्य पदार्थों में एक रहा है। चीन में 1700 शताब्दी से इसका उत्पादन किया जा रहा है। सुथनी पूरे साल में केवल छठ पर्व के समय ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक मुख्य फल है, जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। सुथनी को उबाल कर खाया जाता है और इसका स्वाद हल्का मीठा होता है। वैसे तो सुथनी के कई व्यंजन भी अब बनाए जाने लगे हैं। सुथनी का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है, क्योंकि ये विटामिन बी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है और साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण भी मौजूद होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होते हैं। भारत के असम में पाए जाने वाली कर्बी जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन सुथनी माना जाता है। इसके अलावा अफ्रीका में सुथनी को काफी चाव से खाया जाता है। कैरेबियन द्वीप समूह के देशों में भी सुथनी को सुखाकर उसका आटा बनाया जाता है और फिर इस आटे का इस्तेमाल ब्रेड बनाने में किया जाता है। पापुआ न्यू गिनी में उगाए जाने वाली सुथनी को पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। सुथनी यहाँ का मुख्य खाद्य पदार्थ है। इसके अलावा थाईलैंड में सुथनी को बड़े पैमाने पर खाया जाता है। थाईलैंड में सुथनी को उबालकर, छीलकर और नमक, चीनी या फिर कभी कभी नारियल के साथ भी परोसा जाता है। सुथनी के सेवन से भूख नियंत्रित होती है और चीन में बेरी बेरी रोग के उपचार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं भारत में अल्सर के इलाज में सुथनी का प्रयोग किया जाता है। साल 2007 में अफ्रीकन जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार सुथनी जलन और सूजन में उपचार के लिए कारगर पाया गया है। सुथनी स्किन को भी कई लाभ पहुंचाता है, क्योंकि सुथनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसलिए इसका सेवन एजिंग के लक्षण को कम करने में मदद करता है। साथ ही इसका सेवन करने से स्किन हेल्दी रहती है और बुढ़ापे को दूर रखने में भी काफी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, सुथनी में शुक्राणुओं को गाढ़ा होने से रोकने वाले तत्व भी पाए जाते हैं। इसका उपयोग गर्भ निरोधक के तौर पर भी किया जाता है और इसीलिए इसे जनजाति के लोग इसका उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में भी करते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और कृषि जागरण द्वारा आयोजित नियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स स्पॉन्सर्ड बाय महिंद्रा ट्रैक्टर्स के रजिस्ट्रेशन 22 नवंबर शाम 7 बजे तक समाप्त हो जाएंगे। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द ही इसमें रजिस्ट्रेशन करें। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी विजिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।